वाराणसी सर्किट हाउस में भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मां ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने सारनाथ थाने पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि सारनाथ थाना समर सिंह से मिली हुई है, वहां से केस हटाकर किसी और को सौंपा जाए। मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए उन्होंने कहा कि हमारी बेटी की हत्या हुई है, इस मामले में CBI जांच करवाएं और अपराधियों पर कार्यवाही करते हुए उनके घरों पर बुलडोजर चलवाएं। देखें हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। मीडिया के सामने आ जाई हैं, बताइए। मैं आई हूँ मेरी बेटी के केस में, CBI जांच के लिए आई हूँ सामने। मेरी बेटी के केस में CBI जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मेरी यही विनती है कि मेरी लड़की की केस CBI जांच हो और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और मुझे सारनाथ चौकी पे भरोसा नहीं है, वो लोग सब केस लिपापोती कर रहे हैं, वो सब बिके हुए हैं। मेरी लड़की के केस में कोई नहीं, 15 दिन हो गया मेरी लड़की का मोबाइल अभी तक खुला नहीं है। मुझे डर है कि कहीं मेरी लड़की के मोबाइल में से सब एविडेंस गायब न कर दें, मुझे भरोसा नहीं है वो लोग के ऊपर, क्योंकि अभी तक मुझे CC प्रोटेक्ट नहीं होटल का दिखाया गया, मुझे कोई जानकारी नहीं दी कि जो केस मैंने लिखाया वो केस भी नहीं दर्ज किए, वो अपने तरह से केस दर्ज मन किए हैं। मेरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यही विनती है मेरी बेटी की केस CBI जांच करें और न्याय दिलाएं। 14 दिन की न्याय हिरासत में गए हुए हैं, इससे संतुष्ट हैं, इसके बाद अगली कार्रवाई क्या आप लोग करेंगे? आदित्यनाथ के पास यहाँ से नहीं मेरा पुकार, क्योंकि यहाँ के प्रशासन पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वो बिक चुकी है सारना चौकी, मुझे भरोसा नहीं है। और मैं यही कहती हूँ कि मुझे ये यहाँ के थाने से मेरा केस हटा के कोई और थाने इंचार्ज को सौंपा जाए, ये सारनाथ चौकी पर मुझे भरोसा नहीं है। सारनाथ थाने पर क्यों भरोसा नहीं? नहीं भरोसा है मुझे, उसकी बिकी हुई है, समर खरीद लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आप सवाल उठा रही हैं, उसकी रिपोर्ट जो आई है उसको बता रही हैं कि उसमें कुछ गड़बड़ी की है, उसमें भी गड़बड़ी हुई है। अभी बिस्तरा रिपोर्ट आनी बाकी है, उसके बाद मुझे कुछ नहीं बताएं, मुझे जब आएगा बिस्तरा। लेकिन मुझे मेरी लड़की आत्महत्या नहीं करी, मेरी लड़की को मारा गया है, मेरी लड़की को मारा गया। अभी योगी सरकार की बात कही जाती है, सुन रहे मेरी पुकार? मैंने जो गुहार लगाया उनका पुकार मेरी सुने, तभी तो आरोपी गिरफ्तार हुआ, तभी तो उन्होंने प्रशासन को टाइट किया, जो आरोपी गिरफ्तार हुआ मेरी लड़की के 13वें दिन मेरी पुकार जा रही है उनके तक, और इसके लिए मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है माननीय श्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर, वो मेरी लड़की को न्याय दिलाएंगे। आज न्यायालय में आप लोगों को प्रार्थना पत्र दिया है, उसको लेकर क्या हुआ है? मेरे वकील साहब बात करेंगे आपसे बारे में। आज 15 दिन हो गए मेरी लड़की, 15 दिन। और ये मेरी बस यही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से यही मेरी कहना है, मेरी लड़की के केस में CBI जांच कराएं और आरोपियों को गिरफ्तार करें, बड़ी से बड़ी सजा दें मेरी लड़की। अब बुलडोजर के भी जिस तरह से अभी बीते कई मामलों में योगी आदित्यनाथ जी के बुलडोजर की चर्चा रही है, फरार मुजरिमों को उन्होंने बुलडोजर चलाया, तो क्या मांग कर रही हैं आप? जो जो समर सिंह के साथ बाकी साथ के जो थे उनकी उनके सबको गिरफ्तार, हाँ सबको गिरफ्तार, सबके घर पे बुलडोजर चलवाएंगे। मुझे पूरे भरोसा है योगी आदित्यनाथ पे, बुलडोजर बाबा न्याय करेंगे। मुझे बहुत बहुत उनके ऊपर भरोसा है कि मुझे भी न्याय मिलेगा। और समर सिंह, संजय सिंह जितने भी आरोपी हैं सब लोग के घर पे बुलडोजर चलवाएंगे, जितनी प्रॉपर्टी है लोग की सब पे सील मरवाएंगे। मैं यही श्री योगी आदित्यनाथ से मेरी विनती है मेरी लड़की को न्याय मिले।